प्रीमियम ट्रेन का इकोनॉमी क्लास की सर्विसेज पहली बार हम लोग देखने जा रहे हैं। खाना जिस तरीके से ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व किया गया, इसके लिए कंप्लेन अभी हमने रेज कर दी है। और इसके टेस्ट से समझ आ रहा भाई, ये पेंट्री में ही फ्रेश बना हुआ है। ट्रेन नंबर 22,210 न्यू दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1386 किलोमीटर कवर करती है 17 घंटे 10 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 78 किलोमीटर पर आवर की। और आपको पता है स्टॉप्स कितने हैं न्यू दिल्ली से मुंबई के बीच? तो मात्र 3 स्टॉप के साथ ये दुरंतो एक्सप्रेस अपनी जर्नी कवर करती है। और आज इस दुरंतो में हम लोग न्यू दिल्ली से मुंबई तक ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो भाई साहब अभी रात का देख लो, 9:38 हो रहा है और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस आ गई है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। एक टाइम था भाई साहब इस दुरंतो की लिवरी पूरी दुरंतो वाली होती थी और अभी जो है मिसमैच हो चुकी है पूरी ये लिवरी भी इस दुरंतो की भी। कुछ कोचेस तो हैं इसमें दुरंतो लिवरी के अभी भी, बट काफ़ी कोचेस आपको देखने को मिलेंगे रेड LHB। तो रिसेंटली ही मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में भी 3rd AC इकॉनमी कोच लगा दिया गया है। और आज की जो जर्नी है हम लोगों की इसके इकॉनमी कोच में होने वाली है न्यू दिल्ली से मुंबई के बीच। और जो कोच है अपना ये है M1। तो 3rd AC इकॉनमी में ट्रेवल करने वाले हैं आज हम लोग इस दुरंतो एक्सप्रेस में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करेंगे इस इकॉनमी क्लास में कि दुरंतो एक्सप्रेस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी, क्योंकि अभी तक इकॉनमी क्लास में ट्रैवल किया हुआ 3rd AC इकॉनमी क्लास में हम लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है, बट नॉर्मल ट्रेन में, नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन में, प्रीमियम ट्रेन का इकोनॉमी क्लास की सर्विसेज पहली बार हम लोग देखने जा रहे हैं कैसा क्या मिलेगा इस दुरंतो ट्रेन में। चलो फटाफट अंदर चलते हैं, लगेज रखते हैं और जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो अपने निर्धारित समय 10:10 पे हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। न्यू दिल्ली से हम लोगों के निकलते ही हो रहा है पैरेलल डिपार्चर लखनऊ मेल के साथ। खैर इसकी जर्नी तो आपको मिल जाएगी चैनल पर ही, देख सकते हो आप। और देखने वाली बात तो भाई साहब ये है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में 3rd AC की काफी ऐसे कोचेस हैं जो कि दुरंतो लिवरी में नहीं है, लेकिन लखनऊ मेल में ये देखो दुरंतो लिवरी का कोच लगा हुआ है। पर हम लोगों की ट्रेन अपनी दुरंतो काफ़ी अच्छी स्पीड अप होती हुई और लखनऊ मेल को यहाँ पर हम लोग पछाड़ देंगे होपफुली। ओहो भाई साहब आज अपनी लखनऊ मेल में लगे हुए हैं WAP5 लोकोमोटिव, ओवरटेक मार के निकल गए हम लोग। तो हम लोग की दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस दुरंतो एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, ट्यूसडे एंड सैटरडे को रात में 10:10 पे निकलती है न्यू दिल्ली से और अगले दिन दोपहर में 3:50 पर पहुंचा देती है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो एक पैरेलल के बाद अब बारी है दूसरे पैरेलल की, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। एक और ये कोई ट्रेन जा रही है जो कि कानपुर वाली लाइन पर यहाँ पर डाइवर्ट हो गई है और हम लोग चले गए अलग लाइन पर, इसके संग भी पैरेलल हो ही गया हम लोगों का आके। यहाँ से रूट अलग हो जाता है, कानपुर वाली लाइन अलग हो गई और ये अपनी मथुरा वाली लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के डिपार्चर की जस्ट बाद ही 1 लीटर की वाटर बॉटल अभी हम लोगों को सर्व कर दी गई है इकॉनमी क्लास में भी, जैसे कि नॉर्मल 3rd AC में रहता है। Thank you.
आएंगे तो थोड़ा अपने आप जांच वांच करेंगे कौन है कौन नहीं है कहाँ उतरेगा। क्या नाम है सर जी आपका? हुज़ैफ़ा। चार सौ 65 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर बात करें कोटा की तो ये राजस्थान की थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है जयपुर और जोधपुर के बाद, जो कि अपने कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे न्यू दिल्ली से कोटा तक 465 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये दुरंतो चलती है। वैसे रात में चले हैं, अभी रात का 3:45, मतलब सुबह का भी कह सकते हो लेकिन रात ही का है भाई, अभी आंखों में नींद एकदम भरी हुई है। और ऐसा हुआ अभी थोड़ी देर पहले हम सो के उठे हैं और नींद खुली बीच में, तो हमारे बगल में पैसेंजर थे उनको कोटा उतरना, तो उन्होंने बताया कि भाई एक पैसेंजर ऐसा है जो इस तरीके से पूरे कोच में घूम रहा है, सबकी सीटों पर झाँक रहा है, ऐसी ऐसी बात है। तो हमने भी ध्यान दिया तो भाई वो पैसेंजर जो है क्या कर रहा था, सबकी सीटों में झांक रहा है इधर उधर, पूरे कोच में चक्कर लगा रहा। और जो पैसेंजर हमारे बगल में थे उन्होंने बताया कि ये जो है 15-20 मिनट से ऐसे ही कर रहा है। तो हमको भी भाई शक हुआ, हमने ये क्या सीन है। हमने फिर वीडियो बनाया, सारी क्लिप्स अभी तक आपने देखी। फिर कोच अटेंडेंट को इन्फॉर्म किया, उन्होंने टीटी को इन्फॉर्म किया, उन्होंने आके चेक वेक किया जो भी है, और अभी जो है उस पर नज़र रखे रहेंगे वो लोग। वैसे वो बंदा कह रहा है कि हमारा टिकट है मुंबई तक का उसका टिकट है, लेकिन इस तरीके से। और जब टीटी ने आके पूछा ना कि क्या है क्यों कर रहे थे भाई ऐसे, वीडियो दिखाई तो कहता है कि मेरी सीट नहीं मिल रही थी, सीट ढूंढ रहे थे। अच्छा सीट नहीं मिल रही थी तो कोच के एक एंड पे सीट थी, तो भाई तुमको इतना याद नहीं है इस एंड पे है, इस एंड पे है, और साइड सीटें को चेक करो, साइड अपर साइड लोअर चेक कर रहा, जबकि इसकी सीट है अपर बर्थ, ठीक है, और चेक कर रहा है साइड लोअर साइड अपर। तो भाई ऐसा कौन करता है, इतना भी तुमको ध्यान नहीं है कि अपर बर्थ थी, साइड लोअर थी, साइड अपर थी, और सामने पैसेंजर दिख रहा है ना सोया हुआ, लेकिन नहीं। तो इसलिए शक हुआ भाई, सबको हुआ, वीडियो जिसने देखी सबको हुआ, और उस पर नज़र वगैरह बनाए हुए हैं भाई, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही है हमारा सामान चोरी हुआ था मोटर एक्सप्रेस में, तो सामान चोरी होने का दर्द हम जानते हैं, इसलिए ये चीज़ हमको दिखी, हमने सभी को इन्फॉर्म कर दिया। तो अब देखो आगे अगर कुछ भी होगा तो रेलवे अथॉरिटीज़ वगैरह सब ध्यान में रखे हुए हैं इस चीज़ को। और जो टीटी थे उन्होंने भी बोला कि थैंक्स, चलो आपने बताया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको ही पता है भाई कि सामान वामान चोरी हो सकता है, ऐसे ही होता है। वैसे रात का हमने जैसे कि बताया 3:45 का टाइम है अपनी दुरंतो का यहाँ पहुँचने का, और 3:55 पे कोटा जंक्शन से निकल जाती है। तो भाई जो लोग भी कोटा से है ना कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। देख रहे हो इतनी रात में जग के भी कोटा कवर कर रहे हैं, वैसे भी इस ट्रेन के 3 ही हॉल्ट है, अब एक नहीं करते कवर तो फिर क्या ही मजा आता, इसलिए सोचा चलो रात में जगेंगे और कोटा कवर करेंगे। अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले आए थे और अपने निर्धारित समय से अब हम लोग निकल रहे हैं कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, ट्रेन अपनी एकदम ऑन टाइम चल रही है। तो भाई साहब अभी सुबह का बज रहा है 4, अभी इतनी जल्दी जग के करेंगे क्या, अभी फिलहाल हम सोते हैं। जब तक आप देखो अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, गुड नाइट अगेन।
731 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले ही आ चुके हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और रतलाम की बात करें तो ये जाना जाता है अपने रतलामी सेव गोल्ड ज्वेलरी प्योरिटी और यहाँ की साड़ी मार्केट के लिए। रतलाम जंक्शन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर रतलाम रेलवे डिवीजन, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 6 मिनट बिफोर है, तो 11 मिनट अपनी दुरंतो अब रुकने वाली है रतलाम जंक्शन। रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको प्लेटफॉर्म्स पर काफी स्टॉल्स वगैरह तो मिलेंगे ही, यहाँ पर भी आपको रतलामी सेव अगर खरीदना है तो ये अवेलेबल है रेलवे स्टेशन पे। रतलामी सेव, पोहा, ये सारी चीजें आपको सुबह सुबह मिल जाएगी इस रेलवे स्टेशन पे। ब्रेकफास्ट करना है अगर आपको, तो रतलाम जंक्शन से बस हम लोग निकल ही रहे हैं। और बाकी ये देखो, ये रहा रतलाम का रेल कोच रेस्टोरेंट, जो भी लोग रतलाम से हैं आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और रेल कोच रेस्टोरेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है रतलाम रेलवे स्टेशन के पास में एकदम। तो रतलाम जंक्शन से अपनी ट्रेन बस डिपार्ट हो ही रही है, और अभी जो मॉर्निंग टी वगैरह रहती है, बैठती रहती है या कॉफ़ी का ऑप्शन रहता है, वो भी अभी सर्व होना स्टार्ट हो ही गया है अपने कोच में। और जो ब्रेकफास्ट है आपको बताते हैं, रतलाम जंक्शन से ही बोर्ड होता है थर्ड एसी इकॉनमी और सेकेंड एसी वालों का, और फर्स्ट एसी का तो आपको पता है पेंट्री में फ्रेश बनता है। चलो अब आगे जो भी फैसिलिटी होगी खाने पीने की अब स्टार्ट होगी। अभी यहाँ से मुंबई तक आपको जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटी हैं, इकॉनमी क्लास में कैसा क्या मिलेगा दिखाते हैं आगे। तो अभी बस रतलाम जंक्शन निकला है, और रतलाम जंक्शन निकलने के बाद आपको मॉर्निंग टी और कॉफ़ी की फैसिलिटी मिल जाएगी, चाय या कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो, साथ में यही अपना बिस्किट, तो ये आपको मिलेगी सर्विस रतलाम जंक्शन निकलने के बाद थर्ड एसी इकॉनमी में भी, जैसे कि थर्ड एसी कोच में मिलती है ये फैसिलिटी आपको। देखो OBHS स्टाफ जो है सभी पैसेंजर से गार्बेज वगैरह भी कलेक्ट कर रहा है, तो सही है, साफ सफाई के मामले में अभी तक बहुत एक्टिव है इस ट्रेन का स्टाफ, ये चीज़ हमने नोटिस करी है कल से अभी तक की जर्नी में। मॉर्निंग टी तो अभी सर्व की ही गई, उसके बाद में सभी पैसेंजर्स को लगभग न्यूज़पेपर भी दे दिया गया, तो इस ट्रेन में न्यूज़पेपर भी आपको मिलता है रतलाम रेलवे स्टेशन निकलने के बाद, क्योंकि वहीं से बोर्ड होता है न्यूज़पेपर। ब्रेकफास्ट, अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, और बाकी ये खूबसूरत घाट सेक्शन चल रहा है रतलाम जंक्शन निकलने के बाद ना, एक ऐसा घाट सेक्शन आता है जहाँ पर एक अभी शायद एक टनल भी आएगी, वो टनल कहाँ पड़ती है ये हम हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन एक टनल आती है इस घाट सेक्शन में, मस्त मस्त कर्व आते हैं, बहुत मस्त मस्त कर्व है। अभी आपने देखे शॉट, अभी और दिखाते हैं आपको, अभी सनराइज हो ही गया है, सुबह का टाइम, कर्व और तगड़े लग रहे हैं। तो इसी टनल की हम बात कर रहे थे, ये एक टनल पड़ती है इस रूट पे। एक
एकमात्र टनल इस रूट की, वो आपको दिखेगी रतलाम जंक्शन निकलने के बाद इसी घाट सेक्शन में। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:30 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में हमने वेज ही ऑर्डर किया हुआ था, तो वेज में ये है पोहा और साथ में एक आलू वड़ा, और आप वेज में इसकी जगह कटलेट भी ले सकते हो नॉन वेज लोगे तो ऑमलेट का ऑप्शन रहेगा। बाकी एक ये लाइट मिक्सचर है टोमेटो केचप, एक ये मैंगो ड्रिंक है और साथ में चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, चाय भी ले सकते हो डिप वाली चाय रहती है, और ये कॉफ़ी पोहा। इधर पोहा में नमक ही नहीं है, एकदम फीका रखा हुआ है और ठंडा तो है ही, क्योंकि 30 इकोनॉमी कोचेज है ना, इनमें क्या है कि हीटर वगैरह तो होता नहीं है तो गर्म करने का कोई सिस्टम नहीं है, पेंट्री से आया आते आते ठंडा हो जाता है। चलो वो तो बात समझ आती है, बट पोहा जो है ठंडा तो है ही और नमक वगैरह भी नहीं है, तो टेस्ट तो बिल्कुल भी कुछ है नहीं, एकदम फीका सा है। अब ये आलू वड़ा और टेस्ट कर लेते हैं, ये भी एकदम ठंडा और काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, देख लो कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ऑयली है ये। टेस्ट सही है इसका, थोड़ा सा स्पाइसी है। ओवरऑल जो ब्रेकफास्ट है टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं पोहा है और वड़ा है रात में ही बना के रख दिया और सुबह बोर्ड करके ट्रेन में सर्व कर दिया गया, बिल्कुल फ्रेश भी नहीं लग रहा, ठंडा है ही और ऊपर से कोई टेस्ट नहीं, एकदम फीका रखा हुआ है। भाई दुरंतो ट्रेन प्रीमियम ट्रेन में भी इस तरीके की सर्विस मिल रही, इस तरीके का फूड की क्वालिटी मिल रही, ऊपर से क्वान्टिटी भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो इतना पोहा दिया है इसमें, पूरा भर के भी नहीं दिया, पता नहीं भाई साहब क्या हो गया सर्विस को। कुछ टाइम पहले इस ट्रेन के 3rd AC में ट्रेवल किया हुआ था, तब उसमें ठीक थी सर्विस वगैरह, अभी तो एकदम ही समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो आज की इस दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी में हमने आपको ये नहीं दिखाया कि भाई अपनी सीट कौन सी है, कोच तो हमने बता दिया था, तो आज की अपनी सीट है इकॉनमी क्लास में, ये है अपर बर्थ सीट है 46 और यहीं बैठ के अभी बस रिव्यू हम आपको दे रहे थे खाने का। बाकी ये जो खाना जिस तरीके से ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व किया गया इसके लिए कंप्लेन अभी हमने रेज कर दी है, देखते हैं भाई रिस्पॉन्स अब इसके लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थोड़ी ना भाई, इसके लिए थोड़ा ना पे करना है हम लोग। तो अभी हम लोगों की ट्रेन स्किप कर रही है गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर खड़ी हुई है स्वराज एक्सप्रेस जो कि कटरा से बांद्रा के लिए चलती है, और इसको यहाँ पर अभी हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं बड़ी ही धीमी स्पीड में। यहाँ पर हमको लग रहा था कि अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्वराज एक्सप्रेस को ओवरटेक मारेगी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिग्नल नहीं मिला और स्वराज एक्सप्रेस को सिग्नल पहले दे दिया गया है। अब देखो आगे जर्नी में तो ओवरटेक होगा बट कहाँ होगा ये देखना होगा, अभी फ़िलहाल तो गोधरा जंक्शन से स्वराज एक्सप्रेस को सिग्नल मिल गया, ये निकल रही है और अपन लोग अभी फिलहाल खड़े हुए हैं मेन लाइन पर। लेकिन यहीं पर अगर अपनी ट्रेन होती राजधानी एक्सप्रेस तब स्वराज एक्सप्रेस नहीं निकल पाती भाई, लेकिन अभी वही है ना दुरंतो एक्सप्रेस की उतनी प्रायोरिटी नहीं रह गई आज के टाइम पे। तभी जो कंप्लेंट की थी उसके बाद पेंट्री से दूसरा ब्रेकफास्ट भिजवाया हुआ है, इसमें यह है उपमा, ये एकदम गर्मा गर्म है और साथ में पैकेट वाली चाय मंगाई हुई थी, तो वो बाकी भैया जो है हमको दोबारा से मैंगो ड्रिंक और ये भी दे रहे थे, हमने कहा नहीं यार ये तो आपने दिया हुआ है मैंगो ड्रिंक पहले से, और बटर ब्रेड हमको खानी नहीं थी तो ये हटा दिया है, बाकी अभी सिर्फ उपमा ही खा लेते हैं पोहा की जगह। चलो भाई उपमा टेस्ट करते हैं, वैसे उपमा हमने जैसे बताया एकदम गर्मा गर्म है, इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। तो अभी देखा भाई साहब आपने जब कंप्लेन की है उसके बाद में किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई और उसके पहले क्या हाल थे, कंप्लेन करी उसके बाद जो पेंट्री की मैनेजर वगैरह है उन्होंने वेंडर को भेजा, बातचीत हुई कि क्या समस्या है क्या नहीं बताया, सियात गए वहाँ से गर्मा गर्म उपमा लाए और उपमे का टेस्ट एकदम बढ़िया थी, उपमा का टेस्ट मैंने आपको बताया ही, और चाय भी रेडीमेड वाली चाय थी, वो पैकेट वाली चाय नहीं थी, रेडीमेड जो पेंट्री में बनती है वही ला के थी, उसका टेस्ट भी सही था और उपमा भी बढ़िया। तो वही है हम आप लोगों से भी कहते हैं कि अगर आप लोग पे कर रहे हो तो आपका जो भी राइट बनता है आपको पता होना चाहिए जर्नीज के दौरान, है ना। तो रेल मदद पोर्टल पे जाके हमने की हुई थी कंप्लेन, वहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो PNR डालो और आपको वहाँ पर जो भी कैटेगरी की कंप्लेन है आप रेज करो और इशू आपका सॉल्व किया जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी ट्रेन हो, प्रीमियम ट्रेन हो चाहे कोई भी हो, सभी में ये चीज़ें लागू होती हैं। तो भाई आगे से ध्यान रखना इस जर्नी में, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो ऐसा कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्ट कंप्लेन करो बिना झिझक के। अब मेन बात वही है ना कि कोई भी पैसेंजर सोचता है कि चलो आज ही ट्रैवल कर रहे हैं, रोज़ तो करना नहीं है तो छोड़ देते हैं, तो वो जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर एक कोच में से 10-15 कंप्लेन भी चली गई तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी, इनको पता लग जाएगा कि कॉस्ट कटिंग क्या होती है प्रीमियम ट्रेन्स में खासकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपके संग हो डायरेक्ट कंप्लेन। किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ चुके हैं हम लोग अपनी दुरंतो एक्सप्रेस के तीसरे और लास्ट स्टॉप पे वडोदरा जंक्शन, जो कि गुजरात में पड़ता है। और बात करें अगर वडोदरा की, तो यहाँ का आर्किटेक्चर और क्लासिकल म्यूजिक काफी ज्यादा फेमस है, और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वडोदरा को बड़ौदा के नाम से बुलाते हैं। और बात करें अगर वडोदरा जंक्शन की, तो ये इंडियन रेलवे का 5th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन पे कुछ ट्रेन्स को छोड़कर लगभग सभी ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, राजधानी, गरीब रथ, दुरंतो ट्रेन्स का, और कुछ दुरंतो ट्रेन्स यहाँ पर नहीं रुकती है। और इस रेलवे स्टेशन की मतलब आप लाइन्स भी देखोगे तो ऐसी है, न्यू दिल्ली मुंबई लाइन आकर मिलती है, अहमदाबाद मुंबई लाइन आकर मिलती है, इसीलिए ये इस रूट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर वडोदरा जंक्शन पे 10 मिनट का हॉल्ट है। और जो अपने आगे अभी स्वराज एक्सप्रेस चल रही थी वो भी वडोदरा पे भी लगी हुई है, मेरे ख्याल से उसको यहाँ से पहले निकाल देंगे शायद, अगर निकालते हैं तो आगे ओवरटेक मिलेगा उसका, उसके ओवरटेक का इंतजार है। क्योंकि अब जो वडोदरा से हम लोगों की ट्रेन चलेगी ना, नॉन स्टॉप जाएगी मुंबई सेंट्रल तक, कोई भी हॉल्ट नहीं है, तो हाई स्पीड एक्शन भाई साहब, अभी तक पूरी जर्नी में इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन अब इस रूट में हम लोगों को हाई स्पीड एक्शन मस्त वाला देखने को मिलने वाला है। और अभी एक मील और बची है अपनी इस ट्रेन में, लंच और सर्व किया जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो भाई 10 मिनट का हॉल्ट था, सिग्नल मिल गया अपनी ट्रेन को। बाकी वडोदरा जंक्शन पे आप यहाँ के पकौड़े और वड़ा पाव वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आपको स्टॉल्स पर मिल ही जाएगा। चलो सिग्नल हो गया और ये लोग ग्रीन फ्लैग भी दिखा दिया है ट्रेन मैनेजर ने हम लोगों की ट्रेन के। भाई साहब वडोदरा जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और स्वराज एक्सप्रेस हम लोगों से पहले निकल गई है, तो जिस चीज़ का इंतजार था काफ़ी देर से, हाई स्पीड एक्शन बस स्टार्ट हो रहा है वडोदरा निकलने के बाद। तो जैसे कि हमने बोला था वडोदरा जंक्शन निकलने के बाद हाई स्पीड एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो अपनी स्वराज एक्सप्रेस तो आगे आगे चली रही है, लेकिन उससे पहले अभी अपने आगे चल रही है सौराष्ट्र एक्सप्रेस, उसको लूप लाइन पर लगाया हुआ है। चलो भाई पहले उसका ओवरटेक होगा, उसके बाद आगे जाके कहीं स्वराज एक्सप्रेस को अपनी ट्रेन ओवरटेक करेगी आगे जर्नी में। भाई साहब स्वराष्ट्र एक्सप्रेस को तो हम लोगों ने ओवरटेक मार दिया, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस आगे भागे जा रही है एकदम, अभी ये सीन चल रहा है, अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं भरूच रेलवे स्टेशन, भरूच जंक्शन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर स्लोली स्लोली स्किप मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि भाई वो ट्रेन जो है आगे आगे दौड़ रही है, उसके चक्कर में अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अपनी फुल स्पीड पर नहीं चल पा रही है।
तो भाई साहब फाइनली अब जो है अपनी ट्रेन अपने MPS पे मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है, ऑलमोस्ट 130 KMPH, और यहीं पर अब होने वाला है ओवरटेक। तो अभी देखो दोपहर का बज रहा है 12:11 और हम लोगों का लंच आ चुका है। वैसे लंच में हमने जैन थाली ऑर्डर की हुई थी। चलो वैसे बहुत सारा कुछ इसमें दिख रहा है, ओपन करते हैं सारी चीज़ें दिखा देते हैं आपको क्या क्या सर्व किया गया है। एक तो है ये अपना जीरा राइस, ये अपनी पनीर भुर्जी की सब्जी, ये है अपनी दाल फ्राई, और एक और चीज़ है ये हो गए अपने पराठे, ये दही अचार, और एक और चीज़ है कि मीठे में जो है ना बाद में आइसक्रीम की कोई टेंशन नहीं इसमें, बढ़िया। ये देखो बेसन का एक लड्डू का पैकेट दिया हुआ है, ये ज़्यादा बेटर है भाई, आइसक्रीम से ज़्यादा सही हमको लगती है ये चीज़। तो चलो भाई हाई स्पीड एक्शन तो काफ़ी दिखा दिया, फटाफट से जो है लंच कर लेते हैं, भूख भी लग रही है ज़ोरदार। उसके बाद आगे अभी और हाई स्पीड एक्शन है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया, अभी तो और है भाई इस रूट पर तो बहुत मिलेगा। दाल फ्राई टेस्ट करते हैं सबसे पहले, बढ़िया टेस्ट है, दिख भी यमी रही थी, और अपना जो पनीर की भुर्जी है ये भी देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। अब टेस्ट हो किया जाए, ज़बरदस्त एकदम बढ़िया। मतलब ये जो जैन थाली है ना, हम ज़्यादातर अब क्या करने लग गए हैं, ये जैन थाली ऑर्डर करते हैं ट्रेन में, उसमें क्या होता है ना कि नॉर्मली जो अपनी वेज थाली होती है और नॉन वेज थाली होती है ये तो बोर्ड होता है खाना, और जो जैन थाली होती है ना इसमें ज़्यादातर सब्जी और दाल ज़्यादातर ट्रेन में पेंट्री में ही जो फ्रेश बनती है वही सर्व किया जाता है, इसलिए हम जैन थाली ऑर्डर करते हैं। वैसे कई ट्रेन में ऐसा होता है कि बाहर से ही बोर्ड होती है जैन थाली भी, कैसी किसी ट्रेन में पेंट्री में बनता है, और इसके टेस्ट से समझ आ रहा है भाई ये पेंट्री में ही फ्रेश बना हुआ है, इसलिए इसका टेस्ट एकदम ज़बरदस्त है। चलो भाई साहब अब हम आपको इस ट्रेन के वॉशरूम की थोड़ी सी कंडीशन दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो फुट ऑपरेटेड आपको टैप मिल जाएगा जो कि इकोनॉमी कोचेस में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। चलते हैं सीधा वॉशरूम के अंदर, चल लगा लेते हैं गेट। भाई ये है अपना इकोनॉमी कोच का वॉशरूम, साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है, यहाँ पर आपको हैंड वॉश अवेलेबल मिलेगा, नल वगैरह भी चालू है, पानी वगैरह आ रहा है तो सही है। साफ सफाई के मामले में तो दुरंतो एक्सप्रेस ये बहुत अच्छे से मेंटेन की है, वॉशरूम वगैरह को स्टाफ बार बार साफ कर रहा है, जरा भी गीला हो जाता है आता है साफ करता है, तो साफ सफाई के मामले में ये दुरंतो भाई परफेक्ट है। तो देखो अभी दोपहर का 2:38 ही हो रहा है, शाम हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इवनिंग स्नैक्स हम लोगों को सर्व कर दिए गए हैं। इवनिंग स्नैक्स में दो ये लाइट मिक्सचर के पैकेट हैं, एक सोन पापड़ी, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन मिलेगा जो भी आपको लेनी हो, इस तरीके की एक कचौड़ी भी मिल जाएगी, हल्की हल्की गर्म है अभी सर्व की गई है। तो अभी तो डिनर ही किया था भाई साहब, और इतनी जल्दी से ही इवनिंग स्नैक्स आ गया, मतलब दोपहर में इवनिंग स्नैक्स आया है, तो अभी तो कुछ भी खाने का मन नहीं है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो पैक्ड आइटम है, और एक साथ में कचौड़ी, कचौड़ी ज़रूर हम आपको एक बार टेस्ट करके बता देते हैं कैसी मिल जाएगी आपको इस दुरंतों में। क्या क्रंची है, हल्की गर्म है, और टेस्ट भी ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी और जो भी चीज़ें हैं पैक्ड आइटम हैं ये भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसमें आप रख लेंगे बैग में।
अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से फाइनली आ चुके हैं हम लोग आज ही अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जर्नी ओवरऑल बढ़िया रही, मतलब पंचुअलिटी के मामले में तो ट्रेन भाई साहब गजब की रही। वैसे भी 3 ही स्टॉप्स हैं ट्रेन के, फालतू कहीं भी ज़्यादा रुकती नहीं है और ऑन टाइम रही सभी स्टॉप्स पे ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मात्र 7 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, तो भाई इतना तो ठीक ही है। बाकी और जो दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है फिलहाल उनसे तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो और तो दो दो तीन तीन घंटे तो नॉर्मली लेट चलती ही हैं। लेकिन ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है ना भाई साहब, वेस्टर्न रेलवे ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अभी फिलहाल। और एक चीज़ है कि इसकी लिवरी वगैरह जो थी अभी बहुत सही थी, पूरी दुरंतो वाली हुआ करती थी, बट अभी पूरी मिस मैच होती जा रही है ये भी, तो ये एक थोड़ा सा सही चीज़ नहीं है। बाकी खाने पीने को लेकर कोई भी इशू है कंप्लेन कर दो एक बार में आपको, फिर बढ़िया ही मिल जाएगा खाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैन थाली आप ट्राई करोगे वो ज़्यादा टेस्टी है नॉर्मल वेज थाली के मुकाबले, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट जर्नीज आए आपसे मिस नहीं हो। और यूज़र आईडी इंस्टाग्राम का ये है तो वहाँ ही फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए ये जर्नी कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताना, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।